तो गाइस सबसे पहले 2 या 3 मिनट बाइक को स्टार्ट करना है और थोड़े से आरपीएम बढ़ा लेने हैं। इसको ये जहाँ अच्छे से सेट होना वहाँ पे आरपीएम लेके हमको सेट कर देना है इसको। ये आरपीएम 4000 आरपीएम पे सेट हो चुका है अभी, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, आप देख सकते हैं बाइक स्टार्ट है। अब ये मिक्सर है, मिक्सर स्क्रू, इसको चार हज़ार पे करना है पहले हमें, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। ये प्रॉपर 4000 के ऊपर आ चुका है आरपीएम। तो अब इसको हम थोड़ा सा टाइट करता हूँ मैं इसको, देख लो आप। जैसे टाइट करूँगा वैसे आरपीएम नीचे आते जाएंगे। अब ये देखो, इसका मतलब यहाँ काम नहीं कर रहा है। इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है हमें, धीरे धीरे आराम से धीरे धीरे करना है। और जैसे एंटी क्लॉक वाइज इसको रोटेट कर रहा हूँ मैं, वैसे वैसे आरपीएम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये देखो, ये वापस से 4 पे आ चुका है, 3.5 पे चला गया था और ये 4000 पे आ गया। अब यहाँ से, यहाँ था ये, अब यहाँ से वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये देखो, जैसे धीरे 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 एंटी क्लॉक वाइज मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ये बढ़ रहा है। माइलेज सेट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है ये। देखो ज़्यादा हो गया तो आरपीएम वापस से गिर रहा है, फिर से गिर रहा है। तो यहाँ इसको देखो, मैं एक जगह फिक्स, हल्की सी कमी थी इसमें, ज़्यादा नहीं थी। ये देखो, ये 4000 से ज़्यादा आ गया ना, हल्का सा क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा हूँ वापस इसको। ये 4000 पार कर गया और हमें वहाँ रखना है जहाँ ये सबसे ज़्यादा आरपीएम है। ये वापस से नीचे आ रहा है धीरे धीरे, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे हमने दोनों तरफ घुमा के देख लिया, 4000 पे सेट किया हुआ था हमारा आरपीएम। ये यहाँ तकरीबन, ये दिखाता हूँ थोड़ा सा और खोलना पड़ेगा, छोटा सा नाम। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना। ये क्लॉक वाइज चल रहा है, ज़्यादा फर्क नहीं था इसकी माइलेज में, इसलिए ये थोड़ा सा बढ़ रहा है। अगर बिल्कुल माइलेज ख़राब होगी ना तो बहुत ज़्यादा आएगा, तकरीबन 6-7000 आरपीएम तक आ जाएंगे। ये 4000 से तकरीबन 4100 आरपीएम आई है। इसको थोड़ा सा खोल देते हैं, ये आरपीएम इतने रख लेने, अपने को बंद ना हो बस स्लो में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तक के लिए धन्यवाद।